दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल बर्ड ड्रीम्स। दोस्तों ये ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आज का हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमें अपनी कॉलोनी और केजीज में स्टिक जो लगानी है, जो लकड़ियां लगानी हैं वो किस तरह से लगानी है और वो किस तरह की लकड़ी होनी चाहिए स्टिक, उसे पर्च बोलते हैं दोस्तों। पर्च हमें अपनी कॉलोनी में और केजीज में किस तरह की पर्च लगानी है तो वो बहुत डिपेंड करता है ब्रीडिंग के ऊपर। अगर आप पर्च गलत तरीके से लगाते हैं या जिस तरह से पर्च लगानी चाहिए उस तरह से पर्च नहीं लगाते हैं, स्टिक को ढीला लगाते हैं या जिस तरह से स्टिक होनी चाहिए उस तरह से स्टिक नहीं लगाते हैं, तो जो अंडे होते हैं वो कभी कभी फर्टाइल नहीं होते या फिर कभी कभी बर्ड्स ब्रीड भी नहीं करते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, आपको बताएंगे कि कॉलोनी या अपने केजीज में आप किस तरह से लकड़ियों को लगाएं, स्टिक को लगाएं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो अब हमें अपनी कॉलोनी और केजीज में मटकियां वगैरह सब लगा दी हैं, लेकिन जो है हम पर्च जो है कभी कभी लगाने में छोटी सी मिस्टेक कर देते हैं और इसी मिस्टेक की वजह से कभी कभी हमारे यहाँ ब्रीड सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं करते, और ब्रीड भी करते हैं तो उनके अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं क्योंकि हम पर्च ठीक से नहीं लगाते हैं। पर्च बोलते हैं दोस्तों जो भी हम अपनी कॉलोनी में जो स्टिक लगाते हैं या केजीज में जो स्टिक लगाते हैं उसे पर्च बोलते हैं। तो पर्च का बहुत ही अहम रोल होता है ब्रीड के लिए। अगर आप पर्च ठीक से लगाएंगे, जिस तरह से पर्च लगानी है उस तरह से पर्च लगाएंगे, तो आपके बर्ड्स ब्रीड भी करेंगे और अंडे भी फर्टाइल होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से पर्च लगानी है और कौन सी लगानी है। देखिए सबसे पहला जो मेरा टिप है वो ये टिप है कि आपको जो भी पर्च लगानी है, जो भी स्टिक लगानी है, वो हमेशा लकड़ी की होनी चाहिए। कभी भी आयरन की या लोहे की या किसी और चीज़ की स्टिक आप ना लगाएं, लकड़ी की स्टिक लगाएं, क्योंकि लकड़ी की स्टिक से एक तो इन्हें नेचुरल तरीके से ऐसा फील होता है कि लकड़ी पर ही बैठते हैं जंगलों में, तो आप लकड़ी की स्टिक लगाएं। और अगर आप लोहे की स्टिक लगाते हैं तो दोस्तों वो गर्मियों में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और सर्दियों में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से जब ये बर्ड्स लोहे की स्टिक पर बैठते हैं तो उनके गर्मियों में पंजे चलते हैं और सर्दियों में उन्हें बहुत जल्दी उसकी वजह से ठंड और ज़ुकाम हो जाता है दोस्तों। तो आप कभी भी स्टिक लगाएं अपनी कॉलोनी और केजीज में तो लकड़ी की ही स्टिक लगाएं। दूसरा मेरा टिप जो है दोस्तों, जो भी आप स्टिक लगाएं अपनी कॉलोनी और केजीज में उसको इतनी मजबूती से बांधें कि वो बिल्कुल भी हिले नहीं। अगर कॉलोनी में स्टिक जो आप पर्च लगा रहे हैं वो हिलती है तो मैटिंग के दौरान नर सही से मैटिंग नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं। जब पेयर मैटिंग करता है तो वो स्टिक हिलती है और हिलने की वजह से मैटिंग ठीक से नहीं हो पाती है। तो आपको ये करना है कि आपको कॉलोनी में जो भी पर्च और स्टिक लगानी है वो बहुत मजबूती से लगानी है, वो बिल्कुल हिलने नहीं चाहिए। अगर वो हिलेगी तो अंडे फर्टाइल नहीं होंगे। दूसरा टिप था मेरा दोस्तों ये कि आपको जो कॉलोनी में पर्च लगानी है उसको मजबूती से बांधना है ताकि वो बिल्कुल हिल ना सके। तीसरा जो टिप है मेरा, आप जो भी कॉलोनी में स्टिक लगाएंगे, जो पर्च लगाएंगे, वो इतनी मोटी होनी चाहिए जिसपे फीमेल जो है आसानी से पंजे से दबाकर उस पर बैठ जाए। इतनी मोटी स्टिक ना हो कि वो पंजों से उसे पकड़ ना पाए, या इतनी पतली ना हो जिसकी वजह से फीमेल जो है स्टिक को पकड़ कर बैठ ना पाए, जिसकी वजह से ठीक से मैटिंग नहीं हो पाती है दोस्तों। तो आपको स्टिक का ऐसा सिलेक्शन करना है, ऐसी स्टिक को सिलेक्ट करना है, ऐसी लकड़ी को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर फीमेल आसानी से पंजों को पकड़ कर बैठ जाए। और चौथा मेरा जो टिप है वो दोस्तों वो इस बात को है कि आप जब भी स्टिक लगाएं वो ज़्यादा चिकनी और गोल ना हो, खुरदरी हो, जिस पर फीमेल आसानी से उसको पकड़कर मजबूती से बैठ जाए। जब क्योंकि नर जब मैटिंग करता है तो फीमेल जो है लकड़ी की स्टिक को ही पकड़ती है, जिसकी वजह से वो मजबूती से स्टिक को पकड़ती है, तभी आसानी से अच्छी तरीके से मैटिंग हो पाती है और अंडे जो हैं फर्टाइल होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि स्टिक जो लेनी है वो गोल ना हो, हमेशा खुरदरी हो, थोड़ी सी चिकनी ना हो। तो कॉलोनी में पर्च का बहुत ही इम्पोर्टेंस है दोस्तों। कभी कभी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे बर्ड जो है ब्रीड करना तो चाहते हैं लेकिन ब्रीड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम मायूस हो जाते हैं कि हमारे बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं या फिर एग फर्टाइल नहीं हो रहे हैं। तो हमें अपनी कॉलोनी में स्टिक को बहुत
सोच समझ कर लगाना है। स्टिक जो पर्च हमें कॉलोनी में लगानी है लकड़ी की लगानी है, मजबूती से उसे बांधना है और इतनी घोल और चिकनी ना हो जिसकी वजह से फीमेल उसके ऊपर पंजे सही से दबा कर बैठ ना पाए, तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों। और हमेशा ही स्टिक का जो सिलेक्शन करना है वो बहुत देखभाल कर करना है। कॉलोनी में पर्च का बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। कॉलोनी में जब हम पर्च लगाते हैं या केजेस में अपनी कॉलोनियों में स्टिक लगाते हैं, पर्च लगाते हैं, तो उसी की वजह से ही अंडे फर्टाइल कभी कभी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम जो है ढीली स्टिक लगा देते हैं या जिस तरह की हमें पर्च लगानी है वो पर्च हम नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों आपको अपनी कॉलोनी और केजेस में जो स्टिक लगानी है वो लकड़ी की लगानी है और उसे मजबूती से बांधना है जिससे मैटिंग ईजिली हो सके। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने बर्ड्स का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफिज़।